मलिकजादा मंजूर अहमद का एक शेर है, उन्हें ठहरे समुन्दर ने डुबोया, जिन्हें तूफान का अंदाजा बहुत था। महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने उतरे पांच लोग अपनी जिंदगी गंवा बैठे, उन्हें उफनती लहरों ने नहीं बल्कि शांत पानी ने अपनी आगोश में ले लिया। बीते 18 जून को टायन सबमरीन अटलांटिक महासागर में 12,000 फीट नीचे गई थी। इसके बाद इसका संपर्क टूट गया और यह लापता हो गई। इस घटना के चार दिन बाद 22 जून को टाइटन का मलबा टाइटैनिक जहाज से 1600 मीटर दूर मिला था। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के जहन में आए होंगे, मसलन समुद्र कितना गहरा होता है, अब तक इंसान कहां तक पहुंचा है, कौन रहता है समुद्र की सबसे निचली सतह पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। समुद्र में मिली 10 सबसे अजीब चीजें, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धरती की सतह का लगभग 70% हिस्सा भरा हुआ है पानी से, और इसमें से केवल 20% हिस्सा ही देखा जाना है इंसानों का। इसका मतलब कि पानी वाला 80% हिस्सा अब भी अनएक्सप्लोर्ड है, यानी अज्ञात। यहां इंसान अपनी पहुंच दर्ज नहीं करा सका है। इसके पीछे कई वजहें हैं। समुद्र की गहराई में जाना इतना भी आसान नहीं। समुद्र के नीचे जैसे जैसे आप जाना शुरू करेंगे, पानी का तापमान बदलेगा। यही वजह है कि समुद्र में जीव भी पानी की सतह के पास ही पाए जाते हैं। सतह से 1000 मीटर यानी 3280 फीट नीचे रोशनी खत्म होना शुरू हो जाती है। इस जोन को एफोटिक जोन या फिर मिडनाइट जोन कहा जाता है। इसके बाद समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, यहां होता है घना अंधेरा। इसके नीचे जीव भी काफी कम पाए जाते हैं, क्योंकि शिकार करने और तैरने के लिए रोशनी ही नहीं होती। समुद्र की गहराई में वैज्ञानिकों द्वारा एक खोज अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान उन्हें ईंटों से बनी पीले रंग की एक रहस्यमय सड़क दिखाई दी। उस सड़क को देखकर वो भी दंग रह गए और सोच में पड़ गए। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ अनोखे जीवों के बारे में। समुद्र में चमत्कारिक और रहस्यमयी जीव जंतु पाए जाते हैं। समुद्र में अनोखे जीव जंतुओं के अलावा अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां और अन्य चीजें भी मिलती हैं। समुद्र में होने वाली तमाम गतिविधियों पर जीव विज्ञानी करीब से नजर रखते हैं। अब समुद्र में एक ऐसा रहस्यमयी जीव मिला है जिसको देखने के बाद वैज्ञानिक में भी हैरत में पड़ गए हैं। यह जीव देखने में बेहद अजीबोगरीब है। नंबर एक, डेड बॉडी ऑन एफ व्हेल। दोस्तों, थॉमस नाम का एक मछुआरा अपने पिता के साथ पश्चिमी मेक्सिको के तट पर साल 2022 में मछली पकड़ने के लिए निकला था। तभी उसे वहां पर तैरती हुई एक अजीब सी चीज दिखाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद कोई विशालकाय नाव पलट गई है, लेकिन जैसे जैसे समुद्री लहरें उस चीज को उसके पास लाए तो उसे दिखा कि यह कोई नाव नहीं बल्कि यह तो एक मरी हुई व्हेल मछली है। उस मरी हुई व्हेल से बहुत तेज बदबू आ रही थी। ऐसी मृत व्हेल मछली अगर आपको कहीं दिखाई दे तो तुरंत आपको उससे दूर भाग जाना चाहिए, क्योंकि मरी हुई व्हेल मछली के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उसके अंदर जहरीले गैस को बनाते हैं, और व्हेल की मोटी चमड़ी के कारण वह जहरीली गैस बाहर नहीं निकाल पाती। तब उसके शरीर में एक जोरदार धमाका होता है और ऐसे में उसके आसपास रहने वाले लोगों की जान को भी खतरा होता है। इसलिए जब भी मरी हुई व्हेल की बॉडी को पाया जाता है तो लोग उसे दूर भाग जाते हैं। नंबर दो, बोट के पीछे पड़ा रहस्यमयी जीव। दोस्तों, कई बार कैमरा में कुछ ऐसे भी जीव रिकॉर्ड हो जाते हैं जो अगर कमरे में रिकॉर्ड नहीं होते तो शायद उन पर कोई भी यकीन नहीं करता। साल 2022 में देर रात करीब 2 बजे एक शख्स मेक्सिको के गहरे समंदर में अपनी बोट को चला रहा था, तभी उसकी बोट के पीछे बेहद ही डरावना जीव पड़ गया। जैसे ही उस शख्स को पता चला तो उसने बोट की स्पीड को और भी तेज कर दिया। इसकी आंखें और उसके तैरने की गति बताती है कि यह कोई साधारण जानवर नहीं था। जिस शख्स ने यह वीडियो बनाई, जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसने इस जीव को अपनी आंखों से देखा है और इसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत गुस्से में है और बस वह बोट पर हमला कर ही देगा। नंबर तीन, सो लॉन्ग फिश। दोस्तों, अभी हाल ही में ताइवान के तट पर कुछ लोगों ने एक लंबे से प्राणी को देखा जिसे ऑरफिश के नाम से जाना जाता है, जिसका अधिकतम साइज 36 फीट तक होता है और इसका वजन 300 किलो तक हो सकता है।
यह मछली ज्यादातर अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर जैसे विशाल जगह पर पाई जाने वाली एक दुर्लभ मछली है। यह मछली जब पानी में तैरती है तो उसकी पीठ पर बने पंख आगे से पीछे की तरफ होते हैं। वैसे तो यह मछली महासागर की गहराई में ही रहती है, लेकिन जब भी कभी यह मछली ऊपर आती है तो यह भूकंप आने के संकेत होते हैं। बता दें कि जब ताइवान में कुछ लोगों ने इस मछली को देखा तो वह दंग रह गए थे, क्योंकि उन्होंने आज से पहले इतनी लंबी मछली को कभी नहीं देखा था। नंबर 4, हाफ ह्यूमन हाफ फिश। दोस्तों, आधी मछली और आधी इंसान की तरह दिखने वाली इस मछली को सब मरमेड के नाम से जानते हैं, जिसकी कई रहस्यमयी कहानियां हमने किताबों में पढ़ी है। यह तो आपको YouTube पर मरमेड यानी कि जलपरी के कई फेक वीडियो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज हम जो वीडियो आपको दिखाने वाले हैं उस वीडियो को देखकर खोजकर्ता भी हैरान रह गए थे। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहा यह वीडियो ऑस्ट्रेलिया का है, जिसमें एक मरमेड को साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसने यही कहा कि जिस तरीके से यह अजीबोगरीब प्राणी तैर रहा है उसे ऐसा ही प्रतीत होता है कि एक असली जलपरी है। जब कैमरामैन ने इसका पीछा किया तो यह जलपरी उससे दूर भाग गई। नंबर 5, ब्रुनेई नदी में तैरता हुआ एक भयानक जीव। दोस्तों, साल 2021 में कुछ मछुआरों ने ब्रुनेई नदी पर एक भयानक से तैरते हुए जीव को देखा, जिसके ऊपर की तरफ से दो दांत दिख रहे थे, जिसके बाद मछुआरों ने उसका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दिया। वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ, लेकिन ये जो भी क्रिएचर था सच में बहुत भयानक था। नंबर 6, लोचनेस मॉन्स्टर। लोचनेस मॉन्स्टर एक बड़ा सा विशालकाय दानव होता है जो समुद्र के अंदर रहता है। उसे समय समय पर कुछ लोग देखे जाने की बात करते रहते हैं। जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि यह डायनासोर की प्रजाति का एक विशालकाय सी क्रिएचर्स है, जिनकी मौजूदगी के कई बार दावे की जा चुके हैं। लेकिन दुनिया भर के बड़े बड़े विद्वानों का कहना है कि यह एक टाट्यकर जीव है जो स्कॉटलैंड की लोचनेस नदी में रहता है, जिसकी गर्दन काफी लंबी होती है और यह करीब 50 साल में एक बार ही समुद्र से अपनी गर्दन को बाहर निकालता है। नंबर 7, समुद्र में घूमती हुई अजीब सी चमकीली चीज। उत्तरी समुद्री तट पर चमकीली सी लगातार घूमने वाली एक चीज देखी। वैज्ञानिकों ने इस बात पर विश्वास नहीं किया और इस बात को हल्के में ले लिया, लेकिन जब बार बार इस तरह के हादसे बढ़ने लगे तो उन्होंने सैटेलाइट की मदद से उस जगह की तस्वीर ली और यह बात सच साबित हुई। वहां सच में एक चमकती हुई चीज घूम रही थी, जिसे वैज्ञानिकों ने मिल्की सी फैक्ट नाम दिया। लेकिन आज तक वैज्ञानिक बता नहीं पाए कि आखिर वह चीज क्या है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वह एक रहस्यमयी समुद्री जीव है। अगर कोई इसके पास जाएगा तो वह खुद मौत के मुंह में जाने का काम करेगा। नंबर 8, बोट पर मिला रहस्यमयी जीव। दोस्तों, जब इस अजीबोगरीब जीव को लोगों ने देखा और वह इसे देखते ही इससे दूर भाग गए, क्योंकि यह देखने में ही कुछ ऐसा लग रहा था और जैसे यह पेड़ की टहनियों की तरह अपने आप को हिला रहा था, उसको देखकर तो और भी ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे यह वीडियो वायरल हुआ तो लोगों को पता चला कि यह बास्केट नाम का एक अनोखा जीव है जो समुद्र की गहराइयों में रहता है। इसमें खून की एक बूंद भी नहीं होती, यह बहुत कम ही समुद्र से निकलता है, जिसकी वजह से इस दुर्लभ जीवों की श्रेणी में रखा जाता है। वैसे इसको देखने से यह जीव जैसा कम और एक खतरनाक पेड़ जैसा ज्यादा लग रहा है। यह है समुद्र में पाए जाने वाली अब तक की कुछ रहस्यमयी चीजें। आपको कौन से क्रिएचर ने सबसे ज्यादा हैरान किया? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।